हाय नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज मैं किन्नी के एनिवर्सरी में जा रही हूँ पतरातू, और वीडियो में बने रहिए। मैं अभी नहीं जानती हूँ कि कहाँ जाना है, वो भी एक सरप्राइज है। चलिए देखते हैं कहाँ निकलते हैं। और किनका एनिवर्सरी है वो भी नहीं जानती हूँ, सिर्फ नाम पता है प्रिंस भैया का एनिवर्सरी है। और चलिए आगे मिलते हैं उनसे। तो फाइनली हम पतरातू द रॉयल ल्यूस रिसॉर्ट में पहुंच गए हैं। ये एंट्री है यहाँ से, और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये रिसॉर्ट। तो अभी हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं किधर है, जाते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी पहली बार इस रिसॉर्ट में आए थे। आगे बहुत आगे चलने पर पार्किंग साइड में ही है, लेकिन उसको पार्किंग में एंट्री आगे से है। और सबसे पहले हम लोग ऊपर के हॉल में आए, और मिसेज प्रिंस को, ये पिंक साड़ी में सालू हैं, उनको गिफ्ट दिए और फर्स्ट एनिवर्सरी की शुभकामनाएं दिए, इंट्रोडक्शन किए। उसके बाद कुछ देर हॉल में बैठे और नीचे आ गए नाश्ता करने के लिए। और सब लोग नाश्ता करके फिर से हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट किए आपस में, उसके बाद फिर से ऊपर की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ बाकी है, केक कटिंग बाकी है। अभी तो ऐसे ही मिल के आए हैं गिफ्ट देकर के। हम लोग गिफ्ट दे दिए, जितने लोग हम लोग आते जा रहे थे गिफ्ट देते जा रहे थे। सभी जेंट्स लोग अभी नाश्ता कर ही रहे हैं। यहाँ का लुक बहुत अच्छा है, ये देखिए पानी का फव्वारा। और क्या है ना, इस रिसॉर्ट में पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा आते हैं, मतलब एक अलग प्रकार का इनर्जेटिक माहौल लगता है। तो देखिए हम लोग उसके बाद ऊपर आए नाश्ता करने के बाद, और ये लोग एक दूसरे को माला पहनाए, और सभी लोग आ गए। अभी केक कटिंग होने वाला है, देखिए केक कट कर रहे हैं दोनों। और हमारे कुंवारे अधिकारी लोग सब सोच रहे होंगे कि काश मेरी भी शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो चुकी है वो सोच रहे थे कि पहली एनिवर्सरी तक हर कोई खुश होता है बेटा, और कुछ साल बाद पता करेंगे कि तुम कितने खुश हो। उसके बाद सब फैमिली वाले फोटोग्राफ शूट करवाने लगे, और हम लोग बैठे हॉल में ही। तो मैं अपना वीडियो शूट की, और प्रिंस और सालू को मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से शादी के पहले सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलाते रहें, जीवन में तरक्की करें। उसके बाद बारी आ गई फैमिली के बाद फ्रेंड्स की। तो हम ग्रुप फोटोग्राफ के बाद हम लोग फिर डिनर के लिए नीचे आए, और जितने गुब्बारे लगे हुए थे सब उड़ा दिए गए उस समय हवा में। और डिनर करके फिर वापस हम वापसी की ओर निकल गए, नीचे आए, फिर कुछ फ़ोटो शूट किए। नीचे का भी लोकेशन बहुत अच्छा था, तो हम फोटो शूट किए और रील्स वगैरह बनाए। और उसके बाद अब फाइनली हम घर जा रहे हैं, और ये रिसॉर्ट जो है बहुत अच्छी जगह पर बना हुआ है, और बहुत हाइट पे ऊपर बना हुआ है, जो बड़ा अच्छा लगा। और मौसम भी उस दिन मेहरबान था, बहुत अच्छा मौसम भी था। तो अगर आप कभी आने का सोच रहे हैं तो ज़रूर आइए, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, एक बार विजिट करने लायक तो ज़रूर है। इतना बड़ा एरिया में है कि हम कोई भी बड़ा ओकेजन कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग घर वापसी आ गए, और ये देखिए NTPC पतरातू, रात में इसका व्यू बहुत अच्छा लगता है। अब
अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही है, इसका रेसिडेंस वगैरह अभी बना नहीं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।